गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इफ ईच डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन दैम इज अ 45 डिग्री। देखिए, आपको एक रेक्टेंगल रफ बना दिया आपने, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये दो डायगोनल्स हैं आपके, बी डी एंड ए सी। बेटा, आप सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे ए बी सी डी, ए सी और बी डी डायगोनल हैं, इनके बीच के एंगल्स आपको 45 डिग्री बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायगोनल बना लेते हैं, सपोज हमने कोई भी बना लेते हैं, एक हमने डायगोनल बना लिया ए सी, फिर क्या किया हमने, उसका मिड पॉइंट लिया, ठीक है। और उसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इधर भी 45 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आप चाहें तो कंपास से बना लें, ठीक है, चाहे तो आप प्रोटेक्टर से बना लें। देखिए, ये है, आपने इसको ऐसे रखा, ठीक है। अब आपने देखिए 45 डिग्री का एंगल यहां से मेजर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपने यहां पे इसको रखा प्रोटेक्टर को, ठीक है। देखिए, ये बना लिया आपने 45 डिग्री का एंगल, नीचे बना लिया, ठीक है। फिर क्या करा, डायगोनल्स इसमें क्या होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर भरेंगे और एक कट इधर मारेंगे और एक कट इधर मार लेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। फिर से बात समझ लीजिए कि क्या करना है, एक रफ बात फिर से क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचनी है आपको, कोई भी आपने खींच दी सपोज ऐसी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की, इसका मिड पॉइंट लिया और इस पर 45 डिग्री बना दिया यहाँ और 45 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ, थ्री इधर से कट करा और इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर का रॉम्बस बी सी 4.7, एंगल बी इज अ 75 डिग्री। देखिए, रॉम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो आपको बी सी दिया है 4.7, यह एंगल 75 डिग्री का बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसमें से 4.7 कट करेंगे, फिर यहाँ से 4.7 का आर्क लगाएंगे और यहाँ से भी 4.7 का आर्क लगाएंगे, जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलेंगे वहाँ इसको जोड़ देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे लाइन खींची आपने, ठीक है, ये जो लाइन खींची आपने ये, ठीक है, ये खींची आपने 4.7 की, ठीक है, ये खींची आपने 4.7 की, ठीक है। फिर कैसे बनाएंगे, 75 डिग्री का एंगल, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर यहाँ से और यहाँ से इसे बाइसेक कर लिया, फिर ये 75 डिग्री का एंगल हो गया। इसमें से भी ए बी कितनी कट करेंगे, 4.7, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 4.7 सेंटीमीटर का और यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे 4.7 सेंटीमीटर का, मीन ऐसे डिस्टेंस भरेंगे 4.7 सेंटीमीटर। देखिए, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रॉम्बस में, ठीक है, ये भर लिया, एक कट इधर से लगाएंगे और एक कट यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, जहाँ ये दोनों आर्क कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया आपका रॉम्बस। आप है क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट करना है रॉम्बस ए बी सी डी और सी डी दिया है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल बी डी दिया है 8.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे, यानी एक डायगोनल दिया और एक साइड दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक डायगोनल आपने बना लिया, ठीक है, बी सी बी डी बना लिया, इसको आपने बाइसे कर लिया। हमें पता है जो रॉम्बस होते हैं उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब आपको साइड दिया 5, आपने यहां से 5 पे कट इधर मारा, यहां से 5 पे कट मारा, ऐसे यहां से मारा और ऐसे ही यहां से मारा। देखिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर कंपास में भरेंगे आप पहले, ठीक है, फिर देखिए यहां से एक कट लगाएंगे 5 पे और एक नीचे यहां इधर लगा लेंगे, ऐसे ही यहां से एक कट लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही इधर लगा लेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन गया आपका रॉम्बस। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है और एक साइड आपको दी है 3.8 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले 3.8 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, यहां और यहां 90 डिग्री बनाएंगे, उसमें से 3.8 कट कर लेंगे,
तो सबसे पहले एबी खींचेंगे 3.8 सेंटीमीटर, यहां 90 बनाएंगे और इस 90 वाली लाइन में से 3.8 को कट करके ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायगोनल दिया है स्क्वायर का और आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। हमें पता है स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, एक डायगोनल बनाएंगे एसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, जितना ये डिस्टेंस है कंपास में भर लेंगे इस डिस्टेंस को, एक कट इधर लगाएंगे और एक कट नीचे लगाएंगे, ऑफिस को जोड़ देंगे। इस तरीके से ये आपका बन गया ए बी सी डी, एक स्क्वायर बन गया जिसके डायगोनल्स आपको 5.7 दे रखे थे।